इस एपिसोड में मैं अंधेरे में फंस गया हूँ, गरबा जी के पास। इस वीडियो में आपको टूरिस्ट प्लेस देखने को नहीं मिलेंगे, तो अगर बंद करना है तो आप जा सकते हैं। मैं यहाँ पहुँचा कैसे? एपिसोड 1 में अलवर के पुरजन विहार, फतेह जंग, मोती डूंगरी देखी, जहाँ पर घृणा और दुख से परेशान होकर मैं क्रोध से भर गया। उस क्रोध से जो जोश आया, उससे हमने एपिसोड 2 में अजमेर जाकर हेलमेट खोजा। एपिसोड 3 में वापस अलवर लौट आए, सीलीसेड और गरबाजी में शांति और आश्चर्य का अनुभव किया। यहाँ पर हम काफी सारी लिफ्ट लेके पहुंचे और अब आगे बहुत ही लिफ्ट मिल गई है। दीपक वापस ऐसे ही चला जाऊंगा लिफ्ट से। नवी लिफ्ट वापसी की। बिहाइंड द सीन, नवी लिफ्ट का मतलब घर पहुंच गया, ये सिर्फ मूवी में होता है। आधी रास्ते की लिफ्ट मिली है, अभी रास्ता बहुत है, अंधेरा हो चुका है और बैटरी खत्म होने वाली है। मैंने अंदाजा लगाया था कि 5 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा और जो यात्री वापस आ रहे होंगे उनके साथ मैं वापस लौट आऊंगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा गलत हुआ। 6 बज चुके थे, सब यात्री जा चुके थे, सर्दियों के 6 जब अंधेरा हो चुका होता है। अब सामने तो 27 किलोमीटर लंबा रास्ता, डेड एंड और खूब अंधेरा, और अंधेरा तो बदनाम ही है थ्रिल के लिए। अभी क्या हुआ, मेरी आवाज़ में जुकाम की वजह से दब गई, लड़कियों जैसी बन गई, तो मैंने अभी लिफ्ट मांगी, एक छोटी सी लिफ्ट आई थी, तो मैंने मेरी आवाज़ कुछ ऐसी निकली, ले चालक का आदत आ गया था, तो उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, चलती गाड़ी से बोला खा ला जा, उनको लगा भूत हूँ मैं। गाँव में दुकान आई है, तो यहाँ पर मैंने चिप्स के पैकेट लिए 2। अब चलते हैं आगे। सोच रहा था कि रात को गाँव में रुक जाते, लेकिन मत्स्य उत्सव का प्रोग्राम है, आखिरी दिन है और आखिरी प्रोग्राम है, मैं शूट करने जाता हूँ, इसलिए जाऊँगा, गांव में भी रुकेंगे किसी दिन। इन एपिसोड्स के बीच एक बात और, 24 नवंबर से 27 नवंबर तक अलवर का सबसे बड़ा मत्स्य महोत्सव मनाया जा रहा था। इन एपिसोड्स के बीच धीरे धीरे करके मैं उसे थोड़ा थोड़ा शूट कर रहा था और आज आखिरी दिन था, लेकिन मुझे थोड़ी ही देर में समझ में आ गया था कि मैं वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा। वहाँ अलवर सिटी में प्रोग्राम हो रहे थे, कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। ये मेरा एक दोस्त है सलीम, जो गीत गजल गाता है। अच्छा, उसने इको बंद करवा दिया। मैंने कहा इको बंद क्यों करवाया, बोले इको में 3-3 आवाज आती है। हाँ। मैंने कहा कैसे, जैसे हलो हलो सुनिए सुनिए। तो मैंने कहा तुझे क्या तकलीफ, बोले भाईजान गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो। ओ घोड़े समर भवानी के, लक्ष्मीबाई मर्दानी के, तू चूक गया लिखते लिखते कुछ पन्ने अमर कहानी के। अगर मैं अटके हैं गीत मेरे, उन्हें धरा पर उतार दे माँ। बहुत अरमान थे दिल में, कई तूफान थे दिल में, हमें कहना नहीं आया, तुम्हें सुनना नहीं आया। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई, ऐसे लहरा के तू आ गई, धड़कने पे तहाशा तड़पने लगी, धड़कने पे तहाशा तड़पने लगी। और मैं यहाँ अंधेरे में अपने पाँव के अलावा किसी और के पाँव की आवाज़ सुनाई ना दे, ये दुआ कर रहा था। चश्मा उतार दिया दोस्तों और देख रहा हूँ अंधेरे में, कुछ दिखता है, कुछ नहीं दिख रहा है। कैसी कैसी कल्पनाएं आती है अंधेरे में। डर क्या है, जिंदगी हमेशा न्यूट्रल रहती है, कुछ कमाल का होता है तो किसी भयानकता के मुकाबले कमाल का लगता है। 10वीं लिफ्ट और ट्रैक्टर पे मिल गई है भाई साहब, वापस जाते वक्त आनंद। एक उदासीन मन में जब कुछ होने की इच्छा पैदा होती है, तो उसी सिक्के का हमेशा साथ रहने वाला पहलू कुछ ना होने का डर भी साथ पैदा होता है। 10वीं लिफ्ट खत्म, जरूरत से ज्यादा घुप अंधेरा, 14% बैटरी, और अगला चेक पॉइंट जिसे कहेंगे सिलीसेड, जो लेक वाली जगह है, 5.5 किलोमीटर दूर, कि आसपास दोनों तरफ गांव है और छोटे छोटे घरों की बत्तियां दिख रही, दोनों तरफ खेत में दिन में रास्ता दिख चुका था।
जैसे मुझे इच्छा थी कि मैं 11 भावों के कॉन्सेप्ट पर वीडियोस बनाऊं, और शुरू करने पर डर था कि ठीक से नहीं बनी, क्लीशे या ऑकवर्ड सी बन गई तो। हर इच्छा के साथ उसके ना होने या उसके विपरीत होने का डर जुड़ा होता है। हाँ, पैसे मिलते हैं, लोग देखते हैं उसके, तो जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतने पैसे मिलते हैं। अभी शुरुआत में कम ऑडियंस तो कम मिलते हैं, फिर मिल जाएगी, लोग बढ़ जाएंगे तो मिल जाएगी। 12वीं लिफ्ट दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा डर होता है फियर ऑफ अननोन। अब आप कहेंगे कि जब कोई चीज अनजान है और हमने कोई इच्छा भी नहीं की, तो बिना इच्छा के डर कैसा? चंद्रमा भी जा चुका है आसमान से, मामा पहाड़ के पीछे छुप गए हैं मामा। इंसान की सबसे बड़ी इच्छा है जिंदा रहना। बोलते ही दिख गए मामू, पहाड़ की जो कर्व होती है ना, तो एक कर्व के पीछे छुप गए, थोड़ा आगे चले तो कर्व नीचे थी, तो वहां पे दिख गए मामू। शरीर की प्रकृति को लगता है कि अनजान तथ्य से डरने से जिंदा रहने के चांस बढ़ जाते हैं, इसलिए एवोल्यूशन ने हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी एक साथ दिया, फियर ऑफ अननोन, अज्ञात का डर। चलते एक गांव आया है, एक दुकान आई है, तो चाय पिएंगे थोड़ी देर, फोन की बैटरी खत्म होने वाली थी तो चार्ज लगाने जा रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे अलवर के लिए। भाई साहब भयंकर मजा आ रहे हैं। कौन से होटल में? मैं अलवर जा रहा हूँ, मैं अलवर जाएगा। हाँ, मुझे मिलिए भाई साहब जेसीबी, 13वें नंबर की लिफ्ट जेसीबी। जेसीबी वाला हैरान था, कौन सुनसान रास्ते में लिफ्ट मांग रहा है। वो बोला कि पी रखी है तुमने, और जाने लगा। बड़ी मुश्किल से उसको समझाया कि भाई मैं होश में हूँ। मैं 5-6 बार तो उसने बात नहीं मानी, पर आखिर में बिठा लिया। थैंक यू भैया, थैंक यू। पूरी वीडियो देखते हुए लग रहा होगा ना कि कुछ नहीं दिख रहा, पर चलते चलते आ ही गए ना उजाले में। वक्त पूरा ये जगह है, तो अपन गर्भाजी से धीरे धीरे गाँव से होते हुए वक्त पूरा तक आ गए हैं, और यहाँ से अब थोड़ा फील आ रहा है कि हम हाईवे के पास आ रहे हैं। ये थोड़ी लाइटिंग भी आप देख सकते हो बढ़ने लगी है, होटल आने लगी है शानदार तरीके से। बहुत बात सुनती हूँ मैं, बाहर जो चोरी चकारी लूटना खाटना वो होता है, ऐसा कुछ नहीं। डर से पार पाने का एक ही तरीका है, उसके पास जाओ, उसे जानो, और जानने पर ये पता लगेगा कि ये एक धुएं या उजाले की कमी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। अपन तो वैसे भी नहीं डरते सर, अपन क्या है 27वां जिला है अपना। अच्छा, तो घूम लिया राजस्थान पूरा ही, हर जिले में। सब भी पेतपुर के लिए जा रहे हैं। ये भगतपुरा गांव है, ये किशनपुर गांव है, किशनपुर गांव है ये। हाँ। किशनपुर से भाई साहब मिले हैं रास्ते में, और हम लोग साथ में जा रहे हैं पेतपुर तक, और राजस्थान का पूरा भ्रमण कर रहा हूँ। अच्छा, तो गरबा जी आया था, अनुमान गलत हो गया मेरा टाइमिंग का वापस लौटने का। आप तो मैं आया था जब इस टाइम बाजार से आ रहा था मैं। हाँ। आप मुझे त्रै से थोड़ा पहले पैदल आ रहे थे। हाँ, तो देखा था ये बात, बहुत लेट कर दिया था, इसलिए हम आस बनाए रखेंगे और चलते रहेंगे। 14वीं लिफ्ट दोस्तों, 3% बैटरी, फोन का भी बंद हो सकता है, और भैया मेरे को छोड़ रहे हैं हाईवे तक। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। किराया सर इसका का सिली साइड का किराया। आ गए हैं हाईवे पे, आ गए हैं और फोन चार्ज कर लिया है, पानीपुरी वाले भैया के पास खड़े हैं। पानीपुरी खाने के बाद अलवर की तरफ जाएंगे। भैया अलवर कितना दूर है यहाँ से? 10 किलोमीटर और बचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब पहुंच चुके। 14 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुका हूँ आज। सोते हैं, कल उठ के अलवर में कुछ खास चीजें खाते हैं यहाँ की। वसुधैव कुटुंबकम दोस्तों।